हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जिसमें कि मेजरमेंट का 2 गो टेस्ट सीरीज हो चुका है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 सीरीज हो चुका है। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए प्ले लिस्ट में जा कर के। और आज हम लोग देखेंगे रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा इसका, जिसको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, और अपने जो भी स्टूडेंट है आपके संपर्क में उनको कहिए कि ये DPS चैनल से जुड़े। आज हम लोग देखेंगे रेडियो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसमें होगा रेडियो रिसीवर से संबंधित और वेव प्रोपोगेशन से रिलेटेड MCQ जो क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा दूसर का, यानी कि टेस्ट सीरीज 2 रेडियो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसमें सिर्फ वेव प्रोपोगेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेंगे और इसमें भी कुछ इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें रेडियो रिसीवर और वेव प्रोपोगेशन के कुछ MCQ उपलब्ध हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है। इन ए सुपर हेटरोडाइन रिसीवर द इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इज 455 किलोहर्ट्ज़। इफ इट ट्यूनल टू 1200 किलोहर्ट्ज़ द इमेज फ्रिक्वेंसी विल बी। तो इसका देखिए, इमेज फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 × इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, यानी IF का मान कितना है, 455। प्लस में हो जाएगा आपको यह 1200, यानी कि तो आपको जब यह जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 2110 किलोहर्ट्ज़ आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द सिलेक्टिविटी ऑफ मोस्ट रिसीवर इज डिटरमाइंड लार्जली बाय, यानी कि सिलेक्टिविटी यानी कि चयनकर्ता जिसको कहते हैं, यह डिटरमाइन किया जाता है मुख्य रूप से किसके द्वारा, तक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन के करेक्टरिस्टिक पर। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एज कंपेयर टू ट्यूनल रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग सुपर हेटरोडाइन रिसीवर, यानी कि जो सुपर हेटरोडाइन रिसीवर है इसका कंपेयर कर रहा है ट्यूनल रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर से। तो देखिए, जो सुपर हेटरोडाइन रिसीवर होगा इसका हाई गेन एंड बेटर सेंसिटिविटी होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जागा इसका। 3 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, FM एम्पलीफायर इन सुपर हेटरोडाइन रिसीवर, यानी कि ये सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में FM एम्पलीफायर जो है वह इम्प्रूव द रिजेक्शन ऑफ द इमेज फ्रीक्वेंसी, यानी कि इमेज फ्रीक्वेंसी के रिजेक्शन को, यानी कि रिजेक्ट करता है उसको, इम्प्रूव करेगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन रेडियो रिसीवर द लोकल ऑसिलेटर इज ट्यूनल टू ए फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेडियो रिसीवर में लोकल ऑसिलेटर जो होता है और ट्यूनल फ्रीक्वेंसी का, वो होगा हाई देन द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आएगा उससे हाई हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 5 का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज जनरली नॉट यूज एट VHF, यानी कि देखिए आपको यह 4 गो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन है जो VHF में उपयोग नहीं होता है, कौन सा ऑसिलेटर, तो आर्मस्ट्रांग ऑसिलेटर जो है वह यूज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नॉइज जनरेटेड इन ए रेसिस्टर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि रेसिस्टर में जो नॉइज जनरेटर होते हैं हम किस नाम से जानते हैं, तो थर्मल नॉइज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द सिलेक्टिविटी ऑफ रेडियो रिसीवर इज डैश, यानी कि रेडियो रिसीवर का जो सिलेक्टिविटी होता है वह होता है इट्स एबिलिटी टू रिजेक्ट एडजेसेंट अनवांटेड सिग्नल, यानी कि यह अनवांटेड सिग्नल को छोड़ देता है और जो जो जिस सिग्नल को इसको जिसे खींचना चाहिए यानी कि ऑब्जर्व करना चाहिए उसको यह ऑब्जर्व करता है, इसका यह एडवांटेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन,
नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉड्यूलेटेड करियर पावर इन एफएम, यानी कि एफएम में मॉड्यूलेटेड करियर पावर पूछ रहा है, तो हो जाएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पावर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नौ का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे अब दस नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन एएम एंड एफएम रिसीवर, यानी कि आपको जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें एफएम रिसीवर और एएम रिसीवर में सेम होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो होता है, वहीं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नॉइज जनरेटेड बाई ए रेसिस्टर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि रेसिस्टर में जो नॉइज जनरेट करता है वह निर्भर करता है किस पर, इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ग्यारह का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए हेटरोडाइन फ्रीक्वेंसी चेंजर इज कॉल्ड, यानी कि हेटरोडाइन फ्रीक्वेंसी चेंजर जो होता है उसे हम किस नाम से जानेंगे, मिक्सर के नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बारह का। तेरह नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन इज यूज इन आर एफ एम्पलीफायर टू स्टॉप ऑसिलेशन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, तेरह का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका इन ए रिसीवर, यानी कि रिसीवर में विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज आई एफ इनपुट बट आर एफ आउटपुट, यानी कि चार जो डिवाइस दिया गया है इसमें जो होता है आई एफ जो होगा इनपुट होगा और आर एफ आउटपुट होगा किस में, तो डी मॉड्यूलेटर होता है, डी मॉड्यूलेटर में आई एफ जो होगा इनपुट होगा और आर एफ जो होगा आउटपुट होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चौदह का। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए पैडर इज बेसिकली, ए पैडर जो है बेसिकली क्या है, तो यह है कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पंद्रह का। सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा है विविध भारती प्रोग्राम इज ट्रांसमिटेड इन, विविध भारती जो प्रोग्राम है वो ट्रांसमिट करता है मीडियम फ्रीक्वेंसी को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, यानी एच एफ एस एच एफ, इसका फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है कि एस एच एफ का फुल फॉर्म, तो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, स्पेशली यूज्ड इन रडार एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि इसका समझिए कि सुपर हाइट, यानी कि एस एच एफ का रेंज पूछा है तो एक सेंटीमीटर से दस सेंटीमीटर हो जाएगा इसका, रडार सेटेलाइट कम्युनिकेशन का, इसका वेवलेंथ पूछ रहा है तो वेवलेंथ एक सेंटीमीटर से दस सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अठारह नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच एमोंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें फैक स्माइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अठारह का। उन्नीस नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वेव फ्रंट इज बेसिकली ए लोकस ऑफ पॉइंट एक्वायरिंग सिमिलर डैश, यहाँ पर हो जाएगा आपका फेज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उन्नीस का सही। देखिए बीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन विच काइंड ऑफ वेव फॉर्म इज द फेज वेलोसिटी डिफाइंड, तो हो जाएगा इसका सिनुसाइडल, ऑप्शन नंबर ए बीस का। हम लोग इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच आयोनाइजेशन लेयर एग्जिस्ट ड्यूरिंग डे टाइम एंड यूजुअली वैनिश एट नाइट ड्यू टू हाइएस्ट रिकॉम्बिनेशन रेट, तो इसका हाइएस्ट रिकॉम्बिनेशन रेट किस में होता है, डी रीजन में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इक्कीस का। आज के लिए इतना ही था, यह था टेस्ट नंबर वन रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, और टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइए जिससे कि आपको पीडीएफ मिल सके।